गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप कि आप तो अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड पार्ट ऑफ साइंस एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। डियर स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द फर्स्ट पार्ट हाउ द प्लांट्स इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मतलब द कंडक्शन ऑफ देयर टिश्यू विच कैरी द फूड्स और वाटर। सेकेंड, वी हैव लर्न हाउ टू क्लासिफाई प्लांट्स बेस्ड अपॉन whether they have a seeds or not, whether they have a flower or not, whether they have a separate tissue for carrying the water or food is present or not. Okay, so there is so many criteria by which we can classify the plants. Now we are going to learn in detail how the plants is classified. Okay, so I have written something on the blackboard, बराबर, तो जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस लास्ट पार्ट में मैंने कर दिया है। ओके, तो आप लास्ट पार्ट का वीडियो देख सकते हो। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय वीडियो फ्रॉम वेयर आई हैड स्टॉप। ओके, सो लेट अस बिगिन अवर वीडियो। प्लांट्स, डियर स्टूडेंट, प्लांट्स इज मेनली क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरी। द फर्स्ट कैटेगरी इज क्रिप्टोग्राम एंड सेकेंड वन इज ए फेनेरोग्राम। नाउ व्हाट यू मीन बाय द क्रिप्टोग्राम एंड फेनेरोग्राम? फर्स्ट वन, अ प्लांट वो डू नॉट हैव अ फ्लावरिंग। ओके, या ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं एंड विदाउट सीड्स, जिसमें सीड्स नहीं पाए जाते, ऐसे प्लांट्स को हम किस कैटेगरी में लेते हैं? क्रिप्टोग्राम। इन सिंपल वर्ड यू हैव टू ओनली रिमेंबर दैट अ प्लांट नॉट हैविंग फ्लावर्स एज वेल एज सीड्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिप्टोग्राम। And comes to the phanerogram, means it is just opposite of cryptogram. A plant having flower as well as seeds come under the category of phanerogram. Now, phanerograms is further classified into two parts. The first part is gymnosperm and second part is angiosperm. Now, what is the meaning of these two terms? The term gymnosperm means what? Open seeds. जिसके अंदर seeds क्या होते हैं? Openly होते हैं. And एंजियोस्पर्म्स में सीड्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, मतलब अंदर पाए जाते हैं, इसमें बाहर पाए जाते हैं। नाउ फर्दर, एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज मोनोकॉट्स एंड सेकेंड वन इज डाइकॉट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू टर्म? मोनोकॉट्स मीन्स व्हाट? सिंगल कॉटिलेडन्स इन द सीड, इनके सीड्स में सिंगल कॉटिलेडन्स पाया जाता है। और यहाँ पे डाइकॉट्स, जिसमें कितना पाया जाता है? टू कॉटिलेडन्स इन द सीड्स। ओके, so let us understand first cryptogram in the detail, which I have written here on the blackboard. As you can see here, cryptogams is divided into three division. Okay, it is classified into three division, and the name of the first division is thallophyta, second one is the bryophyta, and third one is the pteridophyta. P is the silent here. So let us learn it in the detail, so we move towards your textbook. So as you can see here, the name of the topic is given here, cryptogams. Now one activity is given here for your better understanding. Search for a pond with a greenish water. आप एक काम कीजिए, जो आपके आसपास कोई तालाब होगा या कोई मतलब कुआं होगा जहाँ पे पानी जमा होगी, आप वहाँ से कुछ पानी को कलेक्ट कर लीजिए, जिसमें आप कभी कभी ऑब्जर्व किए होंगे कि ग्रीनिश पार्ट होते हैं, एकदम हरे हरे होते हो। कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स from the water and put the fiber into the petri dish and wash them the clean with water. आप इसे रख लीजिए और रखने के बाद इसे आप क्या कर लीजिए, क्लीन वाटर में मतलब मिला दीजिए, वॉश कर लीजिए। पुट वन ऑफ द फाइबर इन द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट आउट स्ट्रेट। आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, आपने बारिश में कभी काई देखा होगा दीवार के ऊपर जो हरे रंग के होते, आप वही ले लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। Put a cover slip over the slide and observe the under the compound microscope. Do you see the spiral arrange the green thread like a chloroplast in the cell? In that straight fiber, तो आप उसमें क्या देखोगे? तो आपको उसमें इस प्रकार से spiral इस तरह से arrange आपको उसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है? और जो किस कलर करेंगे? ग्रीन कलर करेंगे, और उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, थ्रेड की तरह दिखाई देगी, धागे की तरह एकदम। This plant is known as Spirogyra. इसको हम क्या बोलते हैं? Spirogyra बोलते हैं, ठीक है। सबसे बेटर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा पानी की टंकी के आसपास भी हरे हरे रंग की जो काई जैसे होती, इट इज नथिंग बट योर Spirogyra, एक तरह का एल्गी है वो। तो
इसी के बेस पे डिवीजन वन है थैलोफाइटा, ठीक है, किसका, क्रिप्टोग्राम का पहला डिवीजन है। दिस प्लांट ग्रो मेनली इन द वॉटर, रियल स्टूडेंट ये ऐसे प्लांट है जो ज्यादातर कहां मतलब ग्रो करते हैं, पानी में। एंड दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक पार्ट लाइक रूट स्टेम लीव्स फ्लावर बट आर ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्यारे बच्चों इस ये ऐसे प्लांट होते हैं ना तो इसमें रूट होता है ना तो स्टेम होता है ना तो लीव्स होता है ना तो फ्लावर्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसके लिए ऑटोट्रॉफिक होते हैं और अपना फुटखुरी तैयार कर सकते हैं, मतलब हाँ प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इज कॉल्ड एलगी, हम इसको एलगी बोलते हैं। एंड एलगी शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी, इसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है यानी वैरायटी होती है, मतलब ये नहीं कि एक ही जैसे होते हैं, इनमें भी बहुत सारा टाइप्स हो सकता है, डाइवर्सिटी हो सकता है। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं ये, एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, ये छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ऑफ एलगी आर स्पाइरोगैला, स्पाइरोगैला के अलावा देखो आपको दूसरा देख के रखा है उल्लोट्रिक्स, इसके बाद आपको देख के रखा है उल्वा, उसके बाद आपको देख के रखा है सर्गेशम, ठीक है, तो ये सब क्या है कुछ इसके एग्जाम्पल है जो एलगी में आते हैं। एंड सम ऑफ दिस आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर वाइल सम आर फाउंड इन द सैलिन वाटर, इसमें से ये जो कुछ टाइप्स के ऐसे होते जो या तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ तो ऐसे होते जो सैलिन जो आपके नमक वाले पानी होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं। दिस प्लांट्स यूजली हैव अ सॉफ्ट एंड द फाइबर लाइक बॉडी, मतलब ये ऐसे होते हैं कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप एक काम करना, जब आपके यहाँ आसपास में बारिश में दीवार के पास जो जो हरे हरे रंग की जो काई जो जम जाती है वो एक प्रकार का फंगी सॉरी एलगी है, आप उसको कभी इस पर हाथ मतलब ना उसको कुदरतना और उसके ऊपर हाथ थोड़ा सा आप स्लिप करके देखना, देखना कितनी सॉफ्ट लगेगी वो आपको, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी, तो एक तरह के फंगी में ही आते हैं और इनमें भी टाइप्स होता है जैसे ईस्ट हो गए, मोल्ड्स हो गए, मोल्ड्स वी डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल आर आल्सो इंक्लूडेड इन द दिस ग्रुप, मतलब अभी तक तो हमने पढ़ा था हो, आप बोल सकते हो कि जो अलग अलग टाइप्स के फंगीज होते हैं, फंगी जैसे ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, वी डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, ये भी इस ग्रुप में आते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, तो देखो कहीं कहीं पे इनकी ऐसी भी वैरायटी आती है कि जिसके अंदर इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होते हैं तो वो फंगी में आते हैं, ठीक है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं ये उल्वा है, ये देखो ये चारा दिया गया है, ये देख लिया आपके स्पैरो गैला दिया गया है, और देख सकते हो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसके बाद देख सकते हो कि प्रिनॉइड ये भी प्रेजेंट है इसके अंदर जो दिखाया गया है, और देख सकते हो कि स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट ये इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट थैलोफाइटा। अब इसमें जो सेकेंड कैटेगरी आता है डिवीजन स्टूडेंट दैट इज ब्रायोफाइटा। देखो दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फाइबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन द मॉइस्ट सॉइल बट नीड वॉटर फॉर रिप्रोडक्शन। आपने कभी कभी सुना होगा कि एम्फाइबियन में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है फ्रॉग का, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, लेकिन आपने प्लांट्स के बारे में नहीं सुना होगा। प्लांट्स में ब्रायोफाइटा ऐसे कैटेगरी में आता है जो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल पे भी ग्रो कर सकते हैं, यानी दोनों जगह पे ग्रो कर सकते हैं। दिस प्लांट्स आर, देखो दिस प्लांट्स आर थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब क्या होता है, इनके जो डंठल होते हैं ना प्यारे बच्चों वो खोखले होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा वेट नहीं होता है। मल्टी सेलुलर एंड द ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, एंड दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन, इनके अंदर स्पोर्स होता है जिसके वजह से रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज फ्लैट, इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है और रिबन लाइक, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं आप देख सकते हो इनकी बॉडी देखिए मोस्टली फ्लैट होती है, ठीक है, फ्लैट एंड रिबन लाइक अ लॉन्ग, रिबन लाइक अ लॉन्ग विदाउट रूट, ट्रू रूट, इसमें रूट नहीं होता है, आप देख सकते हो जैसे बाकी सब पेड़ पौधों में आपने ऑब्जर्व किया होगा प्लांट्स में रूट होते हैं, लेकिन इनमें रूट नहीं होते हैं, ये विदाउट क्या होते हैं, रूट होते हैं, लीव्स पत्ते भी नहीं होते हैं इनके, मतलब ट्रू तौर पर अगर आप बोले ना तो विदाउट ट्रू रूट, रूट ट्रू नहीं होता, स्टेम भी नहीं होता है और लीव्स भी बराबर नहीं होते इनमें। इंस्टेड दे हैव अ स्टेम लाइक और लीफ लाइक अ पार्ट या रूट लाइक अ
राइजॉइड्स, मतलब आप इसमें बोल सकते हो कि रूट की तरह, स्टेम की तरह या पत्तों की तरह पार्ट्स हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें क्या दिया गया, राइजॉइड्स, लेकिन ये पूरी तरह से रूट में नहीं आता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसमें स्टॉल्क होती है, लेकिन ये पूरी तरह से आप इसको स्टेम नहीं बोल सकते हो। ओके, और देख सकते हो यहाँ पे लीफ लाइक पार्ट दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से लीफ नहीं होता है, लाइक पार्ट्स होता है, बिल्कुल उसकी तरह आप बोल सकते हो, लेकिन होते नहीं एक्चुअल में। ठीक है, दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि फूड और वाटर को कंडक्शन करने के लिए दो टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, पहला होता है जाइलम जो वाटर को कैरी करता है, और दूसरा मैंने आपको बताया था फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को कैरी करना। ये दोनों जो देखा जाए तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिसका एग्जाम्पल देख लो मॉस, जिसको हम लोग फिनेरिया बोलते हैं, उसके बाद से हम लोग दूसरा जो दिया गया इसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंटिया, तीसरा जो आपको देखे रखा है एंसोसियस, और चौथा आपको देखे रखा है इसमें रिसिया। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है जो किसमें आते हैं, ब्रायोफाइटा में। आप बगल में यहाँ पे इसके मतलब चार्ट डायग्राम को आप देख सकते हो जो बना करके आपको बताया गया इसके अंतर्गत। नाउ कम टू आवर थर्ड पार्ट, मीन्स डिविजन थर्ड, टेरिटोफाइटा। देखो, प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप हैव अ सेल सॉरी हैव अ वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स। मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें स्टेम बोलो आप, रूट बोलो या लीव्स बोलो, वेल डेवलप होते हैं, एंड सेपरेट टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। जो मैंने अभी आपको बताया पिछले वाले मतलब डिवीजन में, कि इनमें वाटर को और फूड को कैरी करने के लिए जाइलम और फोलियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट दे डू नॉट बियर अ फ्लावर एंड फ्रूट। लेकिन ये ऐसे पौधे होते हैं कि इनमें फ्लावर्स और फ्रूट नहीं पाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया क्रिप्टोग्राम है, तो क्रिप्टोग्राम का मैंने आपको मीनिंग में क्या बताया, ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर्स और सीड्स नहीं प्रेजेंट होते थे। कॉमन सेंस की बात है, जब फूड है तो ही तो सीड्स होंगे, जब सीड्स ही नहीं है तो फ्रूट कहां से होंगे। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्म अमॉन्ग द बैक ऑफ पोस्टेरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पोर होते हैं, यहाँ पे भी आप स्पोर देख सकते हो, इनके बैक में होते हैं, जिसके वजह से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बराबर, सरफेस ऑफ देयर लीव्स। एग्जाम्पल्स आर फॉर्म्स, बराबर, जैसे आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए गए, फॉर्म्स दिए गए। ठीक है, तो फॉर्म्स के अलावा भी देखिए और कौन कौन से नाम है इसमें, नेफ्रोलिपिस, मार्सिलिया, उसके बाद से आपको दिया गया है टेरिस, टेरिस के बाद आपको दिया गया है एडिएटम, उसके बाद से आपको दिया गया है इक्विस्टेम, उसके बाद से सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, उसके, ठीक है, तो ये सब आपको कुछ उसके एग्जांपल्स दिए गए। ठीक है, नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द स्पोर फॉर्मेशन। आप जानते हो कि प्लांट्स जो है इनमें ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअली होता है, वो भी कैसे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब इसमें मिलते हैं तो इसमें जायगोट बनता है जो दिया गया है। ठीक है, तो जायगोट इसमें फॉर्मेशन होता है, और सेक्सुअली भी मतलब सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया कि असेक्सुअली तरीके से होता है, क्यों, जब मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब इनके मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या होता है, एक नया प्लांट्स तैयार होता है। लेकिन जो सेक्सुअली होता है, सेक्सुअली में क्या मतलब फॉर्म होते हैं, जायगोट। जायगोट कैसे बनता है, जब स्पर्म, जैसे हमारे मेल में होता है, जैसे स्पर्म और एग जब दोनों के मेट से क्या होता है, एक नया जायगोट फॉर्म होता है। ठीक है, तो दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, और इनके कंडक्टिंग सिस्टम भी क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हो, दिखाया गया है अपने को, ये क्या, सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम, ये दोनों का एग्जांपल आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो कहीं कहीं पर रूट प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हो आप रूट दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये तीन पार्ट थे क्रिप्टोग्राम से, लेकिन आप ध्यान में रखते हैं तीनों किस में आते हैं, ये तीनों के तीनों नॉन फ्लावरिंग एंड विदाउट सीड्स में आते हैं। ठीक है, तो ये था क्रिप्टोग्राम्स के बारे में, इसकी डिटेल जानकारी आप जब और आगे की क्लास में जाओगे तो और इसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीख रहे हैं क्रिप्टोग्राम, रहा फनेरोग्राम, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं एक बार फिर से आपके ब्लैक बोर्ड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने क्या सीखा, आज हमने प्लांट्स में क्रिप्टोग्राम और फेनोग्राम्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सीखने वाले।
तो आज हमने क्रिप्टोग्राम्स में तीन चीजें, इसके तीन डिवीजन सीखे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेल्टोफाइटा। ठीक है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इसलिए कि फेनोलोग्राम्स को हम डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय।